शाहरुख खान को मिल गया करण जौहर का साथ, इस फिल्म से होने वाला है धमाका। पिछले काफी समय से शाहरुख खान के फैंस उनकी अगली फिल्म की रिलीज का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफी समय से उनके चाहने वालों ने अभिनेता को किसी फिल्म में नहीं देखा है। जब शाहरुख खान के फैंस उनको देखने के लिए बेताब है। साल 2018 में उनकी फिल्म जीरो रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप थी। ऐसे में उन्होंने अब तक अपनी किसी फिल्म का ऐलान नहीं किया है। वो कुछ समय के लिए बॉलीवुड की फिल्मों से ब्रेक लेना चाहते हैं। हालांकि एक बात है कि बतौर फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर वो काम कर रहे हैं। शाहरुख खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि अभिनेता फिल्म डायरेक्टर्स राज और डीके, राजकुमार हिरानी और तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली कुमार की फिल्म को लेकर गंभीर है। इनके बीच फिल्म को लेकर बात चल रही है। इस वक्त की आई ताज़ा खबरों के अनुसार शाहरुख खान एटली कुमार की एक फिल्म कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर और डायरेक्टर करण जौहर के साथ हाथ मिलाया है। फिल्म की कहानी के बारे में शाहरुख खान को ज्यादा नहीं पता है, उनको सिर्फ एंट्री, इंटरवल और क्लाइमेक्स जैसे जरूरी सिर्फ 4 सीन्स बताए गए। वहीं शाहरुख खान फिल्म पर काम शुरू करने से पहले इसकी पूरी स्क्रिप्ट पता करेंगे। वहीं एटली अपनी इस फिल्म को लेकर धर्मा प्रोडक्शन की टीम के साथ काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही शाहरुख खान की अगली फिल्म को लेकर ऐलान किया जाएगा। खैर, अगर हम शाहरुख खान के काम की बात करें तो उनकी पिछली रिलीज फिल्म जीरो थी, जिसका निर्देशन आनंदेल रॉय ने किया था। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ नजर आई थी, जो पूरी तरह से फ्लॉप रही।